हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस किचन। मैं हूँ अपर्णा। आज मैं बनाऊंगी फ्रूट केक बिना ओवन और अंडे के। इसके लिए मैंने एक कुकर लिया है, उसको ढक कर 10 मिनट रख लूँगी प्री हीट करने के लिए। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिए है, 1/4 टेबल स्पून सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टेबल स्पून। अब इसको अच्छे से छान लेंगे। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है, उसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, 1 कप शुगर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कप दूध, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें डालेंगे मैदा थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स करते जाएंगे। ये अब मिक्स हो चुका है। इसमें डालेंगे 1/4 टेबल स्पून वेनिला एसेंस। अब इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब टूटी फ्रूटी ली हूँ, इसको 1 चम्मच मैदे से डस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, कहीं पे भी टूटी फ्रूटी नहीं चिपकेगा, जहाँ डालेंगे वहीं पे रहेगा। अब इसके लिए मैंने एक बॉक्स ली हूँ, उसमें ऑयल डाली हूँ, इसको अच्छे से डब्बे में लगा लूँगी। अब इस पर 1 टेबल स्पून मैदा डालूँगी। मैदा अच्छे से पूरे बॉक्स में डस्ट कर लूँगी, इससे हमारा केक नहीं चिपकेगा। अब जो हमने बैटर बनाए थे उसको उसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से टैप करेंगे ताकि एयर बबल्स ना रहे। अब इसके ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अब कुकर को ओपन करके बैटर को अंदर डाल देंगे बॉक्स को और ढक देंगे। 25 मिनट के लिए इसको ढक कर रखेंगे लो फ्लेम पर। अब 25 मिनट्स हो चुका है, अब इसको चेक करेंगे। अभी ये थोड़ा गीला है, इसीलिए इसको हम और थोड़ा टाइम पकाएंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, और फिर से चेक करके देखेंगे केक हमारा रेडी हुआ कि नहीं। अभी देखिए, टूथपिक एकदम सूखा है, इसका मतलब हमारा केक बन चुका है। अब इसको कुकर से निकाल लेंगे। अब इसके एजेस को हम निकाल लेंगे, अच्छे से निकाल लेंगे। अब इसको एक थाली लेंगे और ऐसे पलट कर रखेंगे और इसको टैप करेंगे ताकि हमारा केक निकल आए। देखिए कितना अच्छे से निकल आया, और ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना। अब मैं आपको इसको काट के दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे से कट हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।